हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में पूजा एस के ट्यूटोरियल्स में। तो आज मैं आपको ये बची हुई लेस के मेरे पास में जो टुकड़े हैं, आज मैं उन्हीं का रीयूज़ करके आपको बैग बनाकर बताऊंगी। ये बैग मैं अपनी बच्ची के लिए बना रही हूँ। तो ये छोटा सा बैग बनने वाला है, बनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है ये बैग बनने के बाद में। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो मेरे पास में लेस का एक लंबा टुकड़ा था, उसको मैंने ऐसे अलग कर लिया है और अलग करने के बाद में स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद में उसको ज्वाइन कर लिया है और ऊपर से ये फिनिशिंग सिलाई मैंने लगा दी है। फिनिशिंग सिलाई लगाने के बाद में ये देखिए, ये ऐसा हमारे पास में चौड़ा कपड़े का टुकड़ा जैसा ये लेस तैयार हो गई है। अब ये जो बीच ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, पहले मैं इसको कट कर देंगे। इसको इस तरह से कट करने के बाद में अब मैं इसके अंदर एक अस्तर लगाऊंगी ताकि ये बैग मेरा बहुत मजबूत बने। तो ये अस्तर को पहले हमने ऐसे उल्टी साइड से सीधे को सीधे पे रख के और इसको हमको इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर लेना है। सीधे पे सीधा रखने के बाद इसको स्टिच करने के बाद में अब इसको पलटा लीजिए। पलटाने के बाद में यहाँ पर भी एक फिनिशिंग सिलाई लगा दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसको ऐसे करने के बाद में दोनों साइड में सेम प्रोसेस करनी है। यहाँ भी फिनिशिंग सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट जो कपड़ा एक्स्ट्रा है हमारा अस्तर, उसको हम कट कर देंगे पहले। इस तरह से कट करने के बाद में अब हम इसको भी पहले मैं एक एक सिलाई से अच्छे से ताकि कपड़ा मेरा सरके ना। अब इसके ऊपर हम जिप लगाएंगे। तो मैंने यहाँ मेरे पास में मैचिंग जिप नहीं थी तो मैं इसकी वजह से ये वाइट कलर की लगा रही हूँ। आप मैचिंग लीजिएगा या जो अवेलेबल होगी वो लगा दीजिए। इसको भी अच्छे से कवर करने के बाद में अब ये जो जिप का जो सामने वाला भाग है उसको इस तरह से उल्टा करने के बाद में ऐसे इसके ऊपर भी एक एक सिलाई लगा दीजिए। ये मेरे पास में और एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, इसके लिए इससे मैं बैग के बंद बनाने वाली हूँ। तो इसको मैं, ये बहुत चौड़ी लेस है तो इसको मैंने दो पार्ट में कट कर लिया है। कट करने के बाद में यहाँ से इसको ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद में इसके ऊपर भी एक एक अच्छे से सिलाई लगा दीजिए क्योंकि ये हमारा बेल्ट बनने वाला है तो बेल्ट थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। इसके ऊपर इसको भी पहले मैं कट करने के बाद में इसके धागे बहुत निकल रहे हैं तो पहले मैं इसको अच्छे से सिलाई से कवर कर दूंगी। कवर करने के बाद में अभी जो बेल्ट का जो सेंटर भाग है तो पहले ये जो नीचे जो सिलाई मैंने जो जॉइंट की ली थी उसको मैं सबसे नीचे लूँगी ताकि ये ऊपर दिखे ना। तो इसको देखिए, जैसे हम पाइपिंग करते हैं ब्लाउज में बस उसी तरह से हमको ये इसको ऐसे दो पार्ट में बांटने के बाद में इस तरह से ऐसे इसके ऊपर से हम एक 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 सिलाई लगाते जाएंगे। ऐसे हमको दोनों तरफ से कर लेने हैं। अब मेरे पास में ये मोती रखे हुए थे तो मैंने ये बंद के अंदर ये मोती को डाल दिया है। और ये जो बीच का खुला हुआ भाग था अभी मैं इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद में कट करने के बाद में इसको अच्छे से सिलाई लगा के ज्वाइन करने के बाद में इसके ऊपर भी फिनिशिंग सिलाई लगाने के बाद में इसको हम इस तरह से एक एक सिलाई से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको कट कर दीजिए और ये देखिए, ये ऐसे हमारा बैग बना है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास में पॉम रखे हुए थे तो मैं बस उन्हीं का यूज़ करके इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बना रही हूँ। आप चाहे तो पॉम की जगह लटकन लगा सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उनका यूज़ करके इसको बना सकते हैं। तो ऐसे ही एक पॉम और चार मैंने गोल्डन कलर के ऐसे मोती लिए हैं और इसको सुई धागे से मैं इसे स्टिच
कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए। ये ऐसे ही हमको सारे बनाकर तैयार कर लेने हैं। इसको अच्छे से फिक्स करती है। मैंने यहाँ पर मोटा धागा लिया, आप चाहे तो पतला धागा भी ले सकते हैं। इसे नीचे चारों तरफ से ये मैंने इसे 5 पोम पोम ऐड कर दिए। अब एक टुकड़ा और पड़ा था मेरे पास में, लेकिन ये सिल्वर कलर की लेस का टुकड़ा था तो मैं यही लगा रही हूँ। तो यहाँ मैं ग्लू गन से इसको ऐसे लगा देती हूँ। ऐसे लगाने के बाद में ये लास्ट में भी ऐसे फिक्स कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये ऐसी हमारी लेस लग गई है। अब एक टुकड़ा और है तो मैं उसका भी यूज़ कर रही हूँ। इसको इस तरह से ऐसे चिपका के, चारों तरफ से चिपकाने के बाद में इसको इस तरह से बैग के ऊपर चिपका देंगे। हमारा छोटा सा पॉकेट हो गया है जिसमें आप कॉइन्स वगैरह भी रख सकते हैं। अब लेस का थोड़ा सा टुकड़ा और बचा था तो उसको भी हम क्यों छोड़े, हम उसका भी यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। ये देखिए, हमारा इतना अच्छा सा पॉकेट बन गया है। भी लेस का टुकड़ा थोड़ा सा बचा था तो इसका भी यूज़ करूँगी मैं यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए। एक पॉम पॉम भी बचा है तो आज हम उसका भी यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए, अभी भी कुछ खालीपन लग रहा है तो चलो, एक पॉम पॉम रखा है उसको भी इस पर हमने ग्लू गन से लगा दिया है। तो ये देखिए, ये हमारे बैग का फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय।